खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हरियाणा के रेवाड़ी की, जहां स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान गर्भपात कराने वाले दलाल को पकड़ा गया। वहीं मौके से गर्भपात का सामान और प्रतिबंधित दवाइयों को भी बरामद किया गया। रेवाड़ी पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने राजस्थान के झुंझुनू में जाकर गर्भपात कराने के एक ठिकाने पर छापेमारी कर कार्रवाई की और मौके से दलाल को काबू कर लिया। साथ ही मौके से गर्भपात करने का सामान और दवाइयां बरामद की हैं। दरअसल रेवाड़ी जिला उपायुक्त को सूचना मिली थी कि कुंड में एक दलाल है जो गर्भपात का गोरख धंधा करता है। इसके बाद एसपी संगीता कालिया व सीएमओ से बात करके एक टीम का गठन किया गया और एक डिकोय पेशेंट बनाकर गर्भपात कराने का सौदा दलाल के साथ किया गया। अजीत नाम के दलाल ने 11,000 रुपए में गर्भपात कराने का सौदा तय किया। इसके बाद नारनौर होते हुए झुंझुनू के बुहाना गांव में जाकर डिकोय और महिला पुलिस कांस्टेबल का मोबाइल फोन छीन लिया गया और दोनों को बुहाना गांव में अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक पर महिला का अल्ट्रासाउंड किया गया। हमें ना 2-3 दिन पहले ये खबर मिली थी कि भाई कहीं इस तरह के कोई PNDT का कोई बोन जांच और लिंग जांच का कोई कर रहा है। हमें ऐसा कोई आइडिया लगा था, हमने एक टीम गठित की और हमने ये 3 दिन से लगातार हम ये प्लान बना रहे थे। फिर हमें हरी झंडी मिली कि भाई हम जो है कल करेंगे। उनकी तरफ से हमने किसी के थ्रू बात की, जो डाउट था बात की। बात के बाद हमारा डिसाइड हुआ कि भाई हम 5, 5:30, 6 बजे उनसे मिलेंगे। तो हमने अपना एक यहाँ से डिकोय तैयार किया और हम यहाँ से 4 बजे निकले। तो हमें ये बताया गया कि भाई हम नारनौल के आसपास हम कहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं मालूम था कि हम जा कर रहे हैं। जब नारनौल से भी हम क्रॉस हो गए, पचेरी साइड में आगे हमें ले गए, हम उनके पीछे पीछे जाते चले गए। आगे जाके वो बुहाना रुक गया। बुहाना रुकने के बाद उन्होंने फिर हमें उतार दिया और हमारे जो डिकोय को लेके बोला हम अपने आप करा देंगे। तो हमारी जो लेडी कॉन्स्टेबल वो और डिकोय उनके साथ चलेगी और उन्होंने वहीं जाके ना हमारे मोबाइल छीन लिए। मोबाइल छीनने कहीं गए अंदर खंडर में, कोई पुराना मकान किसी ने किराए से ले रखा था, उसमें कोई छोटा सा क्लिनिक था, उसमें वो ले गए। उन्होंने जो है अल्ट्रासाउंड किया, कोई पोर्टेबल मशीन थी जिसका कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह, क्लिनिक भी कोई रजिस्टर्ड क्लिनिक नहीं था। कोई अल्ट्रासाउंड उन्होंने किया। अल्ट्रासाउंड करने के बाद जैसे ही वो बंदे बाहर आए, इस दौरान करीब वो गलियाँ थी, करीब 10-15 मिनट का रास्ता था, क्योंकि हमें मालूम नहीं था, हमारा तो मोबाइल ही छीन लिया गया था। तो उसके बाद फिर जैसे ही बाहर आए तो जो बंदा छोड़ने आया था, फिर हमने सबसे पहले उसी को ही पकड़ लिया, क्योंकि हमारे कॉन्स्टेबल ने बताया कि वो तो अंदर है। तो जैसे ही हम उसको पकड़ के फिर अंदर गए तो इतने वो बंदा अपनी मशीन लेके जा चुका था। तो हमारे पैसे भी ले गया और मशीन भी चली गई, लेकिन बंदा जो उसका मेन करता धरता था वो हमारे हाथ लग गया और हमने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद हमने वहाँ के लोकल पुलिस को भी इन्वॉल्व किया। पुलिस वालों ने हमारी मदद की, हमने उसके क्लिनिक की तलाशी ली। तो उसमें MTP में जो ड्रग्स वगैरह, जो अबॉर्शन में ड्रग काम आती है, जो बैन है, जो नहीं कर सकता वो यूज, ऐसी UTC थी, बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ पे मिली। हमने सबको इकट्ठा किया, उनका पुलिंदा बनाया और हम सबको अजीत नाम का लड़का हमने पकड़ा जो उसका मेन जो उसका करता धरता था। इसी दौरान पीछा कर रही स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने दलाल को पकड़ लिया, जबकि मुख्य आरोपी अल्ट्रासाउंड मशीन लेकर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने दलाल अजीत को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही मौके से एक बाइक और गर्भपात का सामान बरामद किया है। अजय अत्री, रेवाड़ी, इंडिया एक्सप्रेस।